देखिए भाई, आज जो अपना इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, आज हम पूरा ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो अब मैं जो आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, ना ही तो आपने इसके बारे में पहले कभी सुना होगा, ना ही जो लोकल बुक होती है इन बुक में भी नहीं है, क्लेडन में भी ये कंसेप्ट नहीं है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। तो जो कंसेप्ट है आज मैं डालता हूँ, हेडिंग डाल लीजिए, कंसेप्ट ऑफ टोर्को सेलेक्टिविटी इन रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। क्या कंसेप्ट ऑफ टोर्को सेलेक्टिविटी, टोर्को सेलेक्टिविटी इन रिंग ओपनिंग रिएक्शन। देखिए जो ये वर्ड है ना टोर्को सेलेक्टिविटी, बहुत गिनी चुनी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए बिल्कुल एक सिंपल वर्ड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो कि कोई साइक्लोब्यूटेन आपको रिंग दे रखी है, ठीक है, इसकी पूरी मैकेनिज्म पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए सपोज करें कि ये क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, और इसकी रिंग ओपनिंग मैं करा रहा हूँ हीट की प्रेजेंस। तो मेथड तो सेम है, जो वो है कि हमारा दो सिस्टम होगा, 4n+2, एक हीट की प्रेजेंस में और एक लाइट की प्रेजेंस में। ये कंसेप्ट सब इसमें लगेंगे। सिस्टम कौन सा है, 4n सिस्टम है, हीट की प्रेजेंस में क्या लगेगा, कोन रोटेशन होगा। अब कोन रोटेशन से रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, होगी तो रिंग ओपनिंग होने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है, भाई ग्रुप तो एक ही है ना, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो हम इस मिथाइल को इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर इस मिथाइल को हम इस तरीके से लगा सकते हैं, है दो पॉसिबिलिटी। अगर एक ग्रुप प्रेजेंट है मिथाइल, तो 99% जो बनता है हमारा वो ये प्रोडक्ट बनता है, मतलब ई एल्किन प्रीफर करता है, और कुछ 1% या 1% से भी कम हमारा क्या प्रीफर करता है, जेड एल्किन बनाना प्रीफर करता है। बात सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाए कि ये यहाँ पर आ जाए और एक R ग्रुप हो जाए और एक हमारा क्या हो जाए, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, बात ठीक है। तो इस केस में भी जब हीट की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कोन रोटेशन होगा, और कोन रोटेशन होने के बाद हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगे। देखिए क्या आएंगे, हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगे भाई। एक प्रोडक्ट तो वो होगा जिसमें ये मिथाइल बाहर की साइड होगा और ये आर हमारा अंदर की साइड होगा, पहला प्रोडक्ट ये। दूसरा प्रोडक्ट ये होगा कि जिसमें हमारा मिथाइल अंदर की साइड होगा और आर ग्रुप हमारा बाहर की साइड होगा। तो जो ये बन रहा होगा, अब देखिए ऑब्जर्व क्या किया गया कि अगर आर हमारा इथाइल ग्रुप है, अगर R हमारा इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमारा 68% बनता है और ये हमारा 32% बनता है। बात कहानी सेम आती है, अगर R हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, अगर R हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तब भी ये रेशो लगभग 70 और 30 का ही रहता है, 30% का। लेकिन अगर R हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाता है, अगर R हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाता है तो ये रेशियो हमारा 30% ये बनता है और 68% ये बनता है। मतलब कि ये कौन सी एल्कीन है, क्योंकि हर ग्रुप मिथाइल से बड़ा है, तो जो प्रायोरिटी है ये कौन सी एल्कीन होगी, हमारी जेड एल्कीन होगी, और जो ये एल्कीन होगी ये कौन सी होगी, ई एल्कीन होगी। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ई एल्कीन ही बनाएं, क्योंकि अब तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें रिंग ओपनिंग करते टाइम आपको सेम ग्रुप मिलते थे, आप सेम ग्रुप को अपोजिट साइड लगा देते थे, लेकिन अगर दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पर डिफरेंट हो गए तो हाउ विल यू ओपन द रिंग। अब रिंग ओपन तो कर लोगे, ईजी है, लेकिन उसमें ई बनेगा कि जेड बनेगा वो कैसे पता करोगे। तो इस ऐसे केस में अब देखिए, अगर ऐसे ही क्या आ जाए, R इक्वल टू हमारा फिनाइल हो जाता है, अगर R इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, फिनाइल हो जाता है, तो ये हमारा रेशियो 30:30 ये रहता है और 70% रेशियो ये बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा ऑब्जर्व किया गया है। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी तो इस प्रकार से इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार बढ़ेगा। भाई R की वैल्यू क्या हो सकती है, इस प्रकार से अगर R इक्वल टू हाइड्रोजन होता तो सेम केस ये बन जाता, ये 99% बन जाता और ये 1% बन जाता। लेकिन जैसे ही हम R की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे या R का
इफेक्ट बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा रेशो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये था पहला। तो जो ये सिलेक्टिविटी आती है भाई, क्या है जो ये सिलेक्टिविटी आ रही है कि जेड एल्कीन बनेगा कि ई एल्कीन बनेगा, और ये होता किस वजह से है कि हमारी रिंग ओपनिंग का रिएक्शन इनवर्ड रोटेशन से रिंग ओपनिंग हो रही है या फिर आउटवर्ड रोटेशन से रिंग ओपनिंग हो रही है, उसकी प्रिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, टोर्को सिलेक्टिविटी। इट इज द प्रिफरेंस फॉर द रिंग ओपनिंग रिएक्शन इन द कोन रोटेशन एंड डिस रोटेशन फॉर द आउटवर्ड और इनवर्ड रोटेशन। मतलब आउटवर्ड रोटेशन और इनवर्ड रोटेशन की सिलेक्टिविटी में रिंग ओपनिंग करने को ही हम टोर्को सिलेक्टिविटी कहते हैं। अब जैसे ही हमारी रिंग ओपनिंग इनवर्ड रोटेशन होगा तो ये R ग्रुप अंदर आएगा और मिथाइल ग्रुप बाहर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही आउटवर्ड रोटेशन होगा मिथाइल ऊपर चला जाएगा और R ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो कहानी बिल्कुल सेम है। अगर एक बार रोटेशन हो रहा है इनवर्ड रोटेशन से, तो इनवर्ड रोटेशन से R ग्रुप अंदर आ रहा है, ये किसका रोटेशन है, इनवर्ड रोटेशन से, और ये जो बना है ये किससे बना है, आउटवर्ड रोटेशन से। देखिए पूरा मैकेनिज्म पार्ट में नहीं जाऊंगा, क्यों बनता है कोई मतलब नहीं है, चीजें समझो, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। इतनी चीजें डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो छोड़ रहा हूं, तो इसीलिए छोड़ रहा हूं कि तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी नहीं। तो चीजें क्या है कि अगर R ग्रुप इस प्रकार से चेंज होता है तो इनकी सिलेक्टिविटी को हम इस प्रकार से डिसाइड करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ये तो हो गया ये फैक्टर, कौन सा फैक्टर हो गया, हिंड्रेंस वाला फैक्टर। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए और एक हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो उस केस में हम सिलेक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे। बिल्कुल आसान है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे आसान है, देखिए जब सपोज करो कि एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन तुम्हें इस प्रकार से करानी है, एग्जाम्पल ही करा देता हूँ, ये एक CHO ग्रुप लगा हुआ है और एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर OMA ग्रुप लगा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, यहाँ पर ही CHO ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर ही OMA ग्रुप लगा हुआ है, और सबकी रिएक्शन किसके साथ करा दी हमने, हीट की प्रेजेंस पे रिएक्शन करा दी, किसके साथ करा दी, हीट की प्रेजेंस पे। तो सिस्टम 4N है, कौन रोटेशन होगा तीनों केस में, बात सिंपल है ना, बिल्कुल कौन रोटेशन होगा तीनों केस में, तीनों केस में ही रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी भाई, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। देखिए ये हो गई हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अब पॉइंट आता है, ये जो CHO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो मिथाइल है कुछ भी कहेगा प्लस H इफेक्ट जो करता है तो डोनेटिंग ही हो गया एक तरह से। अब देखिए जो प्रिफ्रेंस रिंग ओपनिंग के बाद दी जाती है वो दी जाती है कि जब कोई हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो अंदर की तरफ होगा और हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसे हमें बाहर की तरफ रखना है। बात समझे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसे अंदर कैविटी की साइड रखो, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको किसकी साइड रखना है, कैविटी की साइड रखना है, और जो हमारा मिथाइल ग्रुप है डोनेटिंग ग्रुप है उसको हमें आउटसाइड ले जाना है। सेम कहानी इस केस में होगी, OMA क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, और CHO क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस केस में जब हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होगी तो कुछ इस प्रकार से रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, और जब रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी तो CHO हमारा अंदर की तरफ आएगा और जो हमारा OMA है वो हमारा बाहर की तरफ जाएगा कोन रोटेशन से। बात समझे। अब देखिए सेम क्वेश्चन ये है, अगर इसी केस पे CHO आ जाता है OMA आ जाता है तो इस केस में हमें किस प्रकार से प्रिफरेंस देनी है। तो जब हमें प्रिफरेंस देनी है, इसमें ग्रुप चेंज देख लो, ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हमारा अंदर की तरफ आएगा और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हमारा बाहर की तरफ चला जाएगा। तो जो ये सिलेक्टिविटी होती है कि कौन सा ग्रुप अंदर की तरफ आएगा, EZ बनेगी एल्किन, उसी को हम क्या बोल देते हैं, टोर्को सिलेक्टिविटी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, तो इस केस में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी को हमें अंदर कैविटी की साइड रखना है और दूसरे ग्रुप को हमें बाहर की साइड रखना है, दूसरे ग्रुप को हमें बाहर की साइड रखना है। कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया,
इस पे क्या आ गया सी डबल बोन ओ सी एस थ्री और यहां पर भी क्या लगा दिया मैंने सी एच ओ ग्रुप लगा दिया और हीट की प्रेजेंस पर मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी रिंग ओपनिंग कर दिए तो कौन रोटेशन होगा होगा भाई तो कौन रोटेशन होगा इन दोनों में प्रिफरेंस देखो ये क्या है सी एच ओ ये हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या है एस्टर तो सी एच ओ में और एस्टर में जो सी एच ओ का नेचर होता है वो ज़्यादा हाईली विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर होता है तो इस केस में भी जब हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होगी तो रिंग ओपनिंग होने के बाद सी एच ओ हमारा अंदर की साइड चला जाएगा और सी डबल ओ एम ई हमारा बाहर की साइड चला जाएगा तो ऐसा कोई भी ग्रुप डोनेटिंग आ जाता है या कोई भी डोनेटिंग ग्रुप क्या कि अगर आर कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो कोई भी हो सकता है OH हो सकता है NH2 हो सकता है OMe हो सकता है मिथाइल हो सकता है कोई भी ग्रुप हो सकता है तो ये सारे के सारे ग्रुप कहाँ जाएंगे बाहर की साइड चले जाएंगे बाहर ऐसे ही लिख लेना बाहर की साइड चले जाएंगे अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है इसमें भी क्या आ जाता है मिथाइल भी इसमें फिनाइल भी इसी केस में आता है बात ठीक है कि फिनाइल भी हम कहाँ रखते हैं बाहर की साइड ही रखते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया सी एच ओ हो गया एस्टर हो गया साइनाइड हो गया और कौन सा ग्रुप हो गया कीटोन हो गया तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ये प्रीफ्रेंस क्या देंगे अंदर रहने की प्रीफ्रेंस देंगे इस तरीके से ये ग्रुप रहने कहाँ चाहेंगे यहाँ पर ग्रुप रहना चाहेंगे तो ये जो कंसेप्ट था यही हमारा टोरको सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट था भाई आज तक तुम्हें नहीं पता था इस बात का क्योंकि तुम जब भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन कर रहे थे तो तुम्हें हमेशा सिर्फ इसी प्रकार के कंपाउंड मिलते थे ये एक मिथाइल इधर लगा दिया और एक मिथाइल इधर लगा दिया अबव द प्लेन और तुम रिंग ओपनिंग रिएक्शन करके बना देते थे लो जी ये बन गया लेकिन यहाँ पर कोई डोनेटिंग दोनों का नेचर सेम है ये भी मिथाइल है जो ये हाई प्लस एस शो कर रहा है ये भी प्लस एस शो कर रहा है लेकिन अब क्या कि अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो उस केस में जो प्रिफ्रेंस दी जाएगी इस प्रकार से दी जाएगी तो इनको अच्छे से नोट्स में इसी प्रकार लिख लेना टोरको सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट डालकर अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का पार्ट था यहाँ तक इतना तुमने बीएससी में भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है नहीं पढ़ा होगा तुम पढ़ते कहाँ हो अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी बहुत नया है क्योंकि दोबारा लेक्चर बनाए थे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली सोचा कि तुम्हें बता दूँ भला हो जाए तुम्हारा अब देखिए जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है वो न्यूट्रल मोलिक्यूल तक ही सीमित नहीं है न्यूट्रल मोलिक्यूल मतलब कैसे बोलते हैं कि न्यूट्रल मोलिक्यूल तक ही सीमित नहीं है जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है वो आयनिक या चार्ज स्पीसीज के केस में भी जब हमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन कराती है तो उसमें भी हम पेरीसाइक्लिक का यूज कर सकते हैं कैसे उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए सोलवेसिस अब देखिए अगर सपोज करो कि मैं तुम्हें चार ग्रुप दे देता हूँ डालकर ये देखिए OTS ठीक है OTS OTS और तुमसे पूछता हूं रेट ऑफ सोलवेसिस क्या पूछता हूं मैं रेट ऑफ सोलवेसिस या रेट ऑफ एसिटोलिसिस सबसे हाईएस्ट किसका होगा कि अगर मैं इसमें कोई सोलवेंट डाल देता हूँ या ACOH डाल देता हूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट किसका होगा रेट तो होगा ही होगा उसके साथ इसमें मैकेनिज्म कौन सी यूज़ हो रही होगी वो बताइए फिर अगला कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस है अब देखिए जो ACOH होता है तुम्हें पता है सबसे पहले तो सुन लो आज की बात तुम हमेशा तुक्का लगाते थे जैसे भी करके फिट बैठा के तुम बैठा देते थे लेकिन सुन लो जब कभी भी कोई भी रेट ऑफ सोलवेसिस की बात करता है या कहीं भी दुनिया में सोलवेसिस रिएक्शन हो रही होती है वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है किसके थ्रू जाती है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है तो जो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है ये रिएक्शंस कितने दो स्टेप में रिएक्शंस होती है भाई दो स्टेप में पहले स्टेप में क्या होता है कि हमारा एक कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होता है क्या होता है एक कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होता है और अगर उस कार्बोकटाइन के पास रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी है तो वो कार्बोकटाइन रीअरेंज होगा बात ठीक है और दूसरे स्टेप में क्या होता है
हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है। लिविंग ग्रुप पहले स्टेप पे छोड़ के चला जाता है कार्बोकैटायन। तो इन तीनों केस में जब हम ACOH डालते हैं तो ये हमारा जो सॉल्वेंट होता है, ये हमारा क्या सॉल्वेंट, ये ही हमारा किसका न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। बात समझ में है, बिल्कुल धीरे से बता रहा हूं, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब बात ये आती है कि इन केस में रेट किसका ज्यादा होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। अब देखिए SN1 रिएक्शन है, OTS बाहर निकलेगा और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। कर दीजिए कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ये हो गया यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, लोजी ये हो गया इधर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन और ये हो गया इधर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। क्या इनके पास पॉसिबिलिटी है रीअरेंज होने की? नहीं, क्योंकि अगर ये रीअरेंज होंगे तो कार्बोकैटायन ब्रीजिंग हेड पोजीशन पर होगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो कार्बोकैटायन यहीं रहेगा और यहीं रहेगा तो इसमें NGP रूल लगेगा। NGP ये पाई बॉन्ड है, इधर करेगा तो इसमें NGP रूल लगेगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अगर रेट की बात करें, सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, ए का होगा, फिर बी का होगा और फिर हमारा सी का होगा। पहला पॉइंट समझे, NGP से और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। इस केस में कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस केस में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। होता क्या है कि जब उधर से OTS निकलता है तो इधर से इसकी एंटी बॉन्डिंग खाली होती है। बता देता हूँ इतनी बात। तो एंटी बॉन्डिंग में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा शिफ्ट कर देता है, जिससे हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है। अब कुछ भी कहिए, अगर इसकी एंटी बॉन्डिंग इस साइड है, लेकिन कुछ तो इंटरेक्शन हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है, एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये था जो ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन, ये गेट 2019 में इस बार ही पूछा गया था। पूछा क्या था कि उसने इसी प्रकार का एक कंपाउंड दिया था, कंपाउंड भी यही दिया था, इसी प्रकार का क्या दिया था, ये कंपाउंड था और इसमें क्या डाला था, ACOH डाला था और पूछा था कि प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। तो हमेशा जब कभी भी सोलवेसिस करा रहे हो या एसिटोलिसिस करा रहे हो, जो लिविंग ग्रुप जिस जगह से छोड़कर जा रहा है वहीं पर आकर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। लेकिन किस केस में, सोलवेसिस वाले केस में, ध्यान रख लो, मोटे मोटे अक्षर में लिख लेना, सोलवेसिस के केस में ACOH आके कहां जुड़ जाएगा, यहीं पर आकर जुड़ जाएगा। मतलब कि क्या होता है कि सोलवेसिस के केस में हमारा रिटेंशन इन कॉन्फ्रिगेशन होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ्रिगेशन होता है। ये तो बात सिंपल थी सोलवेसिस वाली कहानी। ये क्वेश्चन किसमें आया था, गेट 2019 में, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है यही प्रोडक्ट बनेगा, दो नंबर में क्वेश्चन था। अब देखिए पेरिसाइक्लिक में ऐसा कैसे होता है। देखिए जब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा जो सिस्टम होता है रिंग ओपनिंग का, वो दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। सुन रहे हो ध्यान से, वो सिस्टम दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा होगा रिंग ओपनिंग में बताइए, तो वो सिर्फ एक ही सिस्टम हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन कटायन। क्या हो सकता है वो, साइक्लोप्रोपेन कटायन। ये देखिए साइक्लोप्रोपेन जो कटायन होता है, ये एक दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। जब इसकी हम रिंग ओपनिंग कराएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। तो इन सिस्टम में सेम कहानी वही होती है कि जब हम रेट ऑफ सोलवेसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है और सेम कहानी होती है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, बात ठीक है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर मैं इस पर डाल के दे दूं तुम्हें कि ACOH रेट ऑफ सोलवेसिस क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बना दोगे तुम, डायरेक्ट OTS को हटा कर डायरेक्ट क्या लगा दोगे, OAC लगा दोगे और ये प्रोडक्ट बना दोगे, और जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग में होता क्या है कि जब हम सोलवेसिस कराते हैं तो हमारी रिंग ओपनिंग हो जाती है, और जो रिंग ओपनिंग होती है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के थ्रू, मतलब कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो हमारा पहले क्या होता है, एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद हमारी एक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हो जाती है हीट की प्रेजेंस में, और हमारा कुछ इस प्रकार का एक एलाइलिक कार्बोकैटायन बनकर तैयार हो जाता है। या मैं सिंपल सी बात लिखूं तो कुछ इस प्रकार का हमारा एक कार्बोकैटायन बन जाता है। फिर क्या काम करता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट हमने इसमें डाला होता है, वो सॉल्वेंट आकर इस पर अटैक मार देता है। तो अगर हमारा सोलवेसिस का प्रोडक्ट पूछता है कोई भी रिंग का,
साइक्लोप्रोपेन रिंग का अगर प्रोडक्ट पूछता है तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। अब कहानी कहाँ आती है? कहानी तब आती है, कोई भी हो, देखो मैं जनरल बता रहा हूँ कि ओटीएस पे अगर यहाँ कोई हेलोजन प्रेजेंट हो या कोई सल्फेट प्रेजेंट हो या फिर कोई NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो या डाइएसोटाइजेशन करा रखा हो, तो हर केस में हमारी क्या होगी? रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी और फाइनल प्रोडक्ट यही आएगा। चीज़ें बिल्कुल इजी थी, कब तक? जब तक यहाँ पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई ग्रुप लगा देते हैं और उसकी रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस पे हम करा देते हैं तो उसमें भी क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, ये देखिए, ये कोई हेलोजन ले लेता हूँ, एक्स मान लेते हैं कोई भी, अगर इसकी रिएक्शन हम हीट की प्रेजेंस पे कराएंगे तो हीट की प्रेजेंस पे हमारा जो सिस्टम होगा, पहले मिथाइल कंसीडर कर लेते हैं, दो ग्रुप CH3 दो ग्रुप प्रेजेंट है, बात ठीक है, सुनते रहिए ध्यान से। सिस्टम कौन सा होगा? दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, क्योंकि जब रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ओपन हो जाएंगे, तो हमारा कैसा सिस्टम है? दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में आएगा? 4N+2 में आएगा, और लाइट की या हीट की प्रेजेंस में क्या दिखाएगा? डिसरोटेशन। क्या दिखाएगा हमारा? डिसरोटेशन दिखाएगा। तो जब हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी तो किस प्रकार से हो सकती है? या तो हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं, इनवर्ड रोटेशन से, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड रोटेशन। या हम अपनी रिंग ओपनिंग रिएक्शन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी क्या है? आउटवर्ड रोटेशन। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? डिसरोटेशन हो रहा है। दोनों के केस में क्या हो रहा है? डिसरोटेशन हो रहा है। अब देखिए कि जब हम अपना इनवर्ड रोटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम इनवर्ड रोटेशन कर रहे हैं तो हमारा कार्बोकैटायन कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। जब रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है तो ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और ये कंसर्टेड होता है। क्या होता है भाई? ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन और लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना दोनों का दोनों एक साथ चल रहा होता है। बात समझे? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन में, देखिए अब आगे क्या होगा। होगा क्या? रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होगी और हमारा कार्बोकैटायन कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हो के आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो के आएगा। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं। अगर मैं इनवर्ड रोटेशन कर रहा हूँ तो इनवर्ड रोटेशन करने से जो दोनों मिथाइल है वे दोनों के दोनों बाहर की तरफ भागेंगे, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो के आएगी। ये कब आ रही है? जब हमारा इनवर्ड रोटेशन हो रहा है। बात समझे? दूसरा, जब हम अपना आउटवर्ड रोटेशन कर रहे हैं तो आउटवर्ड रोटेशन करेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो एरो दिखा रखे हैं ये वाले सर्कल वाले, तो आउटवर्ड रोटेशन करेंगे तो जो उसमें CH3 ग्रुप रहेगा वो अंदर की तरफ आएगा। तो जब ये CH3 ग्रुप अंदर की तरफ आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, जो ये हमारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन होके इनवर्ड रोटेशन से आती है, कुछ W टाइप बन रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मतलब कि जो ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है दूर दूर है, मतलब कि रिंग ओपनिंग होने के बाद भी जो हमारा कंपाउंड है वो क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। कैसे हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। लेकिन किस रोटेशन की वजह से? इनवर्ड रोटेशन की तरफ से, जब हमने इनवर्ड रोटेशन करके रिंग को ओपनिंग की। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, हमारा यू टाइप क्या हो रहा है भाई? यू टाइप बन रहा है। तो यू टाइप जब कार्बोकैटायन बन रहा है, ये क्या हो गया? यू टाइप। तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। या मैं कहूं कि इसमें इस मिथाइल की स्टेरिक हिंड्रेंस लग रही है, लग रही है भाई। जब स्टेरिक हिंडनेस लग रही है तो ये कार्बोकैटायन इस प्रकार से फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमारा जो रोटेशन होगा वो क्या होगा? इनवर्ड रोटेशन होगा और हमारा W टाइप कार्बोकैटायन बनेगा जो कि क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हमारा कार्बोकैटायन बनता है, ना कि ये कार्बोकैटायन बनता है।
बात समझे, सिंपल सी कहानी थी। अब क्या होगा, कोई भी अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल या एसोटिलिसिस उन्होंने करा रखा है, डायरेक्ट हम यहाँ पर इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे एसोटिलिसिल ग्रुप लगा देंगे और हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, यहाँ पर ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आते हैं दो टाइप से। अब तक समझा तुमने कार्बोकैटायन समझा, तो हमेशा जो प्रिफ्रेंस दी जाती है वो इनवर्ड रोटेशन की प्रिफ्रेंस दी जाती है, ना कि आउटवर्ड रोटेशन की, क्योंकि जब इनवर्ड रोटेशन होता है तभी हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आएगा एक साइक्लोप्रोपेन रिंग आपको गिवन होगी और उस केस में पूछेगा कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस या रेट ऑफ सोल्वेसिस किस केस में हाईएस्ट होगा। देखिए तीन रिंग बना रहा हूं मैं, ये क्या हो गया क्लोराइड, क्लोराइड सी एस थ्री ग्रुप CH3 और ये क्या हो गया क्लोराइड, ए बी और सी। बताइए तीनों के केस में जो रेट ऑफ सोल्वेसिस होगा वो किसका सबसे हाईएस्ट होगा, बताइए बताइए क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिंग ओपनिंग रिएक्शन करनी है और रिंग ओपनिंग रिएक्शन हमेशा इनवर्ड रोटेशन से ही होगी। तो जब तुम इसका इनवर्ड रोटेशन करोगे, देखिए ए के में तो कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसका इनवर्ड रोटेशन करोगे तो इस प्रकार से एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आया ए के केस में कार्बोकैटायन। जब बी के केस में तुम इनवर्ड रोटेशन करोगे, क्या करोगे भाई, इनवर्ड रोटेशन करोगे, तो इनवर्ड रोटेशन करोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से W शेप का कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। बात ठीक है, जब इस केस में तुम इनवर्ड रोटेशन करोगे तो इनवर्ड रोटेशन करने से क्या होगा, हमारा जो ग्रुप होंगे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे और जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बनेगा। तो तीनों केस में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल कौन है, बी वाला, तो बी का रेट सबसे ज्यादा होगा, तो बी का रेट होगा सबसे हाईएस्ट। अब तक बसती है कहानी ए की और सी की, तो ए और सी में तुम ये तो देख रहे हो स्टेरिक हिंडरेंस, लेकिन ये कुछ ना कुछ प्लस एच ग्रुप तो शो कर ही रहा होगा ना, प्लस एच इफेक्ट तो शो कर ही रहा होगा, तो कुछ ना हो के इसका जो रेट का डिफरेंस होता है, अगर इसका 11,000 टाइम्स ज्यादा होता है तो इसका 4 टाइम्स ज्यादा होता है और इसका 1 टाइम्स ज्यादा होता है। बस जो इनका रेट आता है वो एक्चुअल में कितना आता है, बी का सबसे ज्यादा होगा, फिर सी का होगा और फिर ए का होगा। अगर बी का रेट 1100 टाइम्स है तो इसका 4 होगा रिलेटिव रेट और इसका 1 होगा। तो हमारा जो एक्चुअल ऑर्डर आता है इस प्रकार का आता है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो चीजें दो तरीके से, या तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिख के देगा दोनों मिथाइल ग्रुप अंदर की तरफ देगा, या क्वेश्चन दूसरे टाइप से कैसे लिख के देगा। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ से रेट ऑफ सोल्वेसिस या रेट ऑफ एसिटोलिसिस पूछ सकता है, तो उस केस में रिंग ओपनिंग रिएक्शन करनी है और रिंग ओपनिंग रिएक्शंस मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो, रिंग ओपनिंग ऑलवेज थ्रू इनवर्ड रोटेशन, किस रोटेशन से होगी, हमेशा इनवर्ड रोटेशन से ही हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, ये ध्यान रख लो, इनवर्ड रोटेशन अंदर की तरफ, जब ये दिखाएगा अंदर की तरफ, ये क्या हो रहा है इनवर्ड रोटेशन, अगर इसी ग्रुप को मैं ऐसे कर देता और इसी ग्रुप को ऐसे कर देता तो ये आउटवर्ड रोटेशन बोलते हैं इसको, अंदर की तरफ को इनवर्ड रोटेशन बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार जो जो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज लिखते जाइए, नोट्स अच्छे बनेंगे, पढ़ने में भी मजा आएगा। देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, OTS CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, OTS,
CH3 और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो या तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखिए ये तीनों के तीनों ग्रुप का है, अबव द प्लेन है, और जो ये ग्रुप है ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। इसके रेस्पेक्ट में देखो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो जब ट्रांसफॉर्म होगी तो हमें देखिए OTS है, तो इस केस में क्या होगा कि CH3 ग्रुप CH3 के भाई ये ट्रांस है, तो CH दोनों CH3 ग्रुप नीचे की तरफ हो गए, OTS ऊपर की तरफ होगा, होगा भाई कोई दिक्कत। इस केस में क्या होगा कि तीनों के तीनों ग्रुप ऊपर की तरफ है, तो हमारी जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस प्रकार से होगी कि अगर OTS भी ऊपर की तरफ है तो हमारा मिथाइल भी इस प्रकार से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, और अब पूछ लेगा कि ए और बी में, क्या पूछेगा, ए और बी में जो रेट ऑफ सॉल्वेंसी होगा वो किसका हाईएस्ट होगा। तो कुछ नहीं करना, रिंग ओपनिंग रिएक्शन करनी है, इसका भी इनवर्ड रोटेशन होगा, इसका भी इनवर्ड रोटेशन होगा। तो जब इनवर्ड रोटेशन होगा तो यू शेप का कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा, तो जो कि क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। अब इस केस में क्या होगा कि ये भी इनवर्ड रोटेशन करेगा, ये भी इनवर्ड रोटेशन करेगा, और डब्ल्यू टाइप का कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो हमारा रेट बी का होता है वो हाईएस्ट होता है ए से। बात समझे? तो क्वेश्चन अगर दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आता है, इनको क्या बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिंग ओपनिंग रिएक्शन, दो इलेक्ट्रॉन रिंग ओपनिंग रिएक्शंस अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो डिस रोटेशन से होता है, अगर लाइट की प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग करा रहा है तो कोन रोटेशन के थ्रू होगा। तो मैक्सिमम केस में तुम्हें हीट लिखी मिलेगी तो तुम्हें डिस रोटेशन करके ही इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हमेशा रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं बना देता हूं, तो एक कार्बोकैटायन यहां जाएगा, अब जो सॉल्वेंट तुमने लगा रखा है उस सॉल्वेंट को यहां पर लगा देना, बस OAC, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। सिंपल सी बात है। कुछ है, कुछ प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन को करने में? नहीं आई तो एक क्वेश्चन और कर दीजिए बस। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया तो समझो तुम सीख चुके हो, और नहीं कर पाए तो फिर ध्यान से दोबारा वीडियो को देखो। देखिए अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, हाइड्रोजन OTS ग्रुप अब देखिए इस आइसोमर को हम बोलते हैं एंडो आइसोमर, और इस आइसोमर को हम बोलते हैं एक्सो आइसोमर, ठीक है। अगर मैं इसको ए बोलता हूं और इसको बी बोलता हूं तो मुझे बताइए कि ए और बी में जो रेट ऑफ सॉल्वेंसी होगा वो किसका हाईएस्ट होगा, बताइए किसका हाईएस्ट होगा। ना बताइए बताइए, कन्फ्यूज ही हो रहोगे, सर दोनों स्ट्रक्चर सेम ही लग रही है, किसका बताएं। कुछ नहीं करना, रिंग ओपनिंग रिएक्शन करनी है, इनवर्ड रोटेशन दिखाना है। लो देखिए इसका इनवर्ड रोटेशन हुआ, जब इसका इनवर्ड रोटेशन होगा तो दोनों हाइड्रोजन ग्रुप है बाहर की तरफ भागेंगे, लेकिन जब इसका इनवर्ड रोटेशन होगा तो दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ की तरफ भागेंगे, अंदर की तरफ। तो हमारी कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आएगी, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर, और एक ये क्या है 7 मेंबर। तो हमारी रिंग देखिए कुछ इस प्रकार से बन के आएगी, ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, हमारा कंपाउंड बनेगा, और ये हमारा बीच में क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और जो ये दो हाइड्रोजन होंगे एक हाइड्रोजन इस प्रकार से बाहर की तरफ होगा, एक हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से बाहर की तरफ होगा। तो हमारा क्या बन रहा है, डब्लू शेप, क्या बन रहा है भाई हमारा, डब्लू शेप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। इस केस में देखिए, जब इस केस में करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ आएंगे, जब दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ आएंगे तो हमारा कंपाउंड कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, ये भी अंदर की तरफ आ जाएगा और ये भी अंदर की तरफ आ जाएगा, और ये हमारा कार्बोकैटायन। तो ये किस फॉर्म में हो रहा है, यू शेप में, कौन सा स्टेबल होता है, डब्लू वाला। तो जो रेट है ए और बी में, ए का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा बी से, या मैं कह सकता हूं कि एंडो वाले का रेट क्या ज्यादा होगा एक्सो वाले से। बात सिंपल है। तो दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, रेट ऑफ सॉल्वेंसी पूछ सकता है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, करके आराम से इजीली तुम अटेम्प्ट कर लोगे। अब आइए सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, बात ठीक है, खत्म करा दूंगा भाई आज बिल्कुल इस टॉपिक को। पेरिसाइक्लिक तो बहुत लंबा चलेगा, अगर ढंग से कराऊँ ना मैं तो मैं पूरा डिटेल में तो 3-4 महीने लग जाएंगे। क्वांटम से भी बड़ा टॉपिक लगता है पेरिसाइक्लिक,
देखिए अब डाल लीजिए फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से होंगे, ध्यान से देखिए, ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है, अगर इसी के ऊपर मैं क्या लगा दूं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं और इसकी रिएक्शंस किसी भी बेस के साथ कर देता हूं, या मैं कह दूं कि कोई भी NBUli इसकी रिएक्शंस कर देता हूं, तो इस केस में क्या होगा कि यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, इस हाइड्रोजन को ये ले लेगा और जब ले लेगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इन सिस्टम में अगर हम हीट दे देते हैं तो हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाती है, और जब रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाती है तो ये कार्ब इस तरीके से और ये इस तरीके से हमारा अप्रोच होता है, कैसे ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर फॉर्मेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरीके से हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, भाई दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कि कौन सा सिस्टम हो गया, फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हीट की प्रेजेंस में क्या दिखाएगा, कौन रोटेशन दिखाएगा। बात ठीक है, अब कोई भी आगे से इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें डाल रखा हो तो आराम से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर लगा देना, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हो जाएगी। अब देखिए कहानी कहाँ आती है, जो सबसे फेमस एग्जांपल होता है जो हम फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एज़रेडिन सिस्टम। क्या पढ़ते हैं हम, एज़रेडिन। तो हेडिंग डाल लीजिए रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ एज़रेडिन। ये तो सिंपल था भाई, अब देखिए रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ एज़रेडिन। तो एज़रेडिन क्या होता है, ये नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार से होता है प्रेजेंट, यहाँ पर क्या रहेगा, एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहेगी, और यहाँ पर अगर मैं कोई ग्रुप लगा देता हूँ, सपोज करो सी डबल ओ एम ए ग्रुप ये लगा दिया और सी डबल ओ एम ए ग्रुप ये लगा दिया, दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों नीचे की तरफ है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखिए इस सिस्टम में क्या होता है कि जब हम हीट देते हैं तो हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कौन रोटेशन होगा, क्या होगा भाई, कौन रोटेशन होगा। तो कौन रोटेशन होने के बाद रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और हमारा कुछ इस तरीके से ये नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये एरोमेटिक सिस्टम। अब जब रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी तो दोनों का रोटेशन सेम साइड में होगा, ये मिथाइल ग्रुप, भाई रोटेशन किस प्रकार से होता है, रोटेशन तो इस प्रकार से होता है ना, ये रोटेशन, ये रोटेशन, मतलब भाई जब कौन रोटेशन होगा तो कौन रोटेशन क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो ये सी डबल ओ एम ए ग्रुप बाहर की तरफ चला जाएगा, ये चला गया बाहर की तरफ, और ये जो सी डबल ओ एम ए ग्रुप है ये कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो हमारी जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होके आएगी कुछ इस प्रकार से, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होके आएगी। अब ये सिस्टम अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये 1-3 डाइपोलर सिस्टम बन चुका है, क्या बन चुका है भाई, 1-3 डाइपोलर सिस्टम। अगर क्या करूं मैं, 1-3 डाइपोलर सिस्टम कैसे बना, देखिए नाइट्रोजन सी डबल ओ एम ए, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर लोन पेयर आ जाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव प्रेजेंट है भाई, पॉजिटिव का नाइट्रोजन पे चार थोड़े ना हो सकते हैं, तो ये क्या बन चुका है, 1-2-3, तो इसको क्या बोलते हैं, 1-3 डाइपोलर सिस्टम बोलते हैं। अब बहुत प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है, अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पर किसके साथ करा देता हूँ, सी डबल ओ एम ई, सी डबल ओ एम ई, और हीट दे देता हूँ सिस्टम को, तो ये रिएक्शंस कौन सी होती है, 1-3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। इसमें ये डाइन का काम करता है, ये डाइनोफाइल का काम करता है, तो ये रिएक्शंस कैसी होती है, 1-3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, सिंपल सी हमारी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हो जाएगी, और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, देखिए यहाँ से इसका प्रोडक्ट होके क्या आता है, कुछ हमारा प्रोडक्ट इस साइड का आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है,
ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे, ये सी डबल ओ एम ई और ये सी डबल ओ एम ई और ये एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन चला जाएगा, तो सी डबल ओ एम ई ये लोन पेयर होंगे और यहाँ पर एक एरोमेटिक सिस्टम होगा। तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो क्या आता है, कुछ इस प्रकार का आता है। अगर इनकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी पूछ लेता है तो कैसे सेलेक्ट करोगे, देखिए कुछ नहीं करना, सिस्टम में बस ये ध्यान रखना है ये दोनों CMO ग्रुप है नीचे की तरफ है, मतलब दोनों का नेचर क्या है, सेम है। कौन रोटेशन होगा तो चेंज आएगा, जब चेंज आएगा तो ये एक ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब एक सी डबल ओ एम ई ग्रुप अबव द प्लेन चला जाएगा और एक सी डबल ओ एम ई ग्रुप बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो ये जो बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। बात समझे, जो फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कहानी होती है सेम ही होती है जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ऐसे ही रिंग ओपनिंग रिएक्शन करनी है और ऐसे ही इन ग्रुप का पता करना है। अब देखिए चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए प्रैक्टिस, इसको ध्यान से समझ लेना, अभी एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लो किस प्रकार से क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में मैं मैकेनिज्म नहीं से नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट अप्रोच बताऊँगा तुम्हें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नाइट्रोजन CO2Me, यहाँ पर कोई फिनाइल सिस्टम दे दो और इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूँ मैं, लाइट की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ए क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू, नाइट्रोजन इसकी रिएक्शन से एक बार हीट की प्रेजेंस में कराई और इसकी रिएक्शन से एक बार लाइट की प्रेजेंस में कराई, बात ठीक है। अभी सुन लो, ए मिला, ए के बाद हमने क्या कराया, इसकी रिएक्शन CHO से कराई हीट की प्रेजेंस में, क्या मिला, बी मिला। इस केस में भी हमने क्या किया, ए मिला, ए की रिएक्शन किससे कराई, CO2Me हीट की प्रेजेंस में क्या मिला, B मिला। और इसकी भी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, पहले A मिला और फिर A की रिएक्शन किसके साथ कराई हमने, CHO और B मिला। कर लोगे तीनों क्वेश्चन, इजी है ना, करा देता हूँ, सकल बन गई तुम्हारी। तो देखिए लाइट की प्रेजेंस में सिस्टम को पहले देखिए, अप्रोच देखिए, सिस्टम को पहचान लो एक बार, जिसने सिस्टम पहले पढ़ रखा है वो अच्छे से जानता होगा। अब क्या है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी, सिस्टम है फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फोर इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4n सिस्टम में आएगा। लाइट की प्रेजेंस में क्या दिखाएगा, डिसरोटेशन दिखाएगा, क्या दिखा रहा है भाई, डिसरोटेशन। तो ये दोनों मिथाइल, ये सी डबल ओ एम ई ग्रुप, ये सी डबल ओ एम ई ग्रुप, दोनों के दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। तो डिसरोटेशन होने के बाद भी दोनों का नेचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो जो हमारा ए प्रोडक्ट आएगा वो नाइट्रोजन इस प्रकार से, यहाँ पर अगर फिनाइल लगाओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लूज कर चुका है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, सी डबल ओ टू एम ई बाहर की तरफ और यहाँ पर भी सी डबल ओ टू एम ई बाहर की तरफ। उसके बाद इसके साथ क्या दिखाएगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा और साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिखाते ही ये सिस्टम कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। यहाँ पर CHO ग्रुप और यहाँ पर भी क्या रहेगा, CHO ग्रुप, इसके पास लोन पेयर आ चुके होंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिनाइल सिस्टम आ चुका होगा। अब देखिए डिसरोटेशन हो रहा है तो दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, मतलब दोनों का नेचर सेम होगा, या तो दोनों को दोनों अबव द प्लेन कर दो या फिर दोनों के दोनों को बिलो द प्लेन कर दो। तो जो हमारा बी फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है पहले केस में, ये प्रोडक्ट बन के आता है। अब देखिए इस केस में मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ये प्रोडक्ट है हमारा। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन होगी कुछ इस प्रकार का, इधर क्या है,
CO2Me ग्रुप, इधर क्या है CO2Me ग्रुप, ये लोन पेयर, और यहाँ पर क्या आ गया फिनाइल एरोमेटिक सिस्टम। अब मुझे क्या करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री लगानी है। सिस्टम क्या है, हीट की परजाय इसमें 4N सिस्टम है, हीट की परजाय इसमें क्या दिखाएगा, कोन रोटेशन दिखाएगा। अब ये दोनों मिथाइल का ग्रुप का नेचर मैंने देख लिया, दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है, एक ऊपर है एक नीचे है। बाद में क्या हो जाएगा, दोनों का नेचर सेम हो जाएगा, कोन रोटेशन है ना, जब सेम हो जाएगा तो दोनों क्या चले जाएंगे, अबव द प्लेन चले जाएंगे। ये चले गए भाई अबव द प्लेन, है ना इजी। अब देखिए मुझे इसका भी डायरेक्ट बना देते हैं, नाइट्रोजन लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा CHO, यहाँ पर क्या आ जाएगा CHO। अब क्या है, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, डिसरोटेशन। डिसरोटेशन तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, जैसे नेचर पहले डिफरेंट था बाद में भी नेचर क्या रहेगा, बाद में भी डिफरेंट ही रहेगा। तो अगर ये फिनाइल है तो अगर एक अबव द प्लेन गया है तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। सिंपल है ना कहानी, बस इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, एक होमवर्क दे दूं तुम्हें, कर लोगे तुम, लो होमवर्क लिख लो एक, ये तो सब मैं ही करा दिया तुम्हारा। देखिए होमवर्क लिख के दे देता हूं तुम्हें एक, पर क्या लगाऊं, चलो फिनाइल ही लगा देते हैं, हो गया। इसकी रिएक्शंस करो लाइट की प्रेजेंस में, इसकी रिएक्शंस करो हीट की प्रेजेंस में, ए प्रोडक्ट बनेगा CHO, CHO हीट डाल देना, बी बना देना, सेम कहानी इसमें करना और बी बना देना, ठीक है। होमवर्क है, करके देख लेना एक बार ट्राई, मिस्टेक मत कर देना, मुझे पता है गड़बड़ करोगे तुम कुछ ना कुछ। कहाँ बनेगा कार्बोनाइल, जब तुम रिंग ओपनिंग रिएक्शंस करोगे तो कार्बोनाइल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात की, ठीक है, यही थोड़ी प्रॉब्लम होती है बस। तो ये कहानी कैसी थी, फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने सारी चीज़ें सीख ली है, बस एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है नेज़ेरो साइक्लाइजेशन।